अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूफिस कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड, जिसे मैं व्हाइट ब्रेड के साथ बनाऊंगी। आप इस रेसिपी को बनाकर अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते के लिए भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 ब्रेड स्लाइस। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड यूज किए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं 1 कटोरी स्वीट कॉर्न, जिसको हमने पहले से ही उबाल के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने ली है 200 ग्राम मोजरेला चीज, लेकिन ये सारी यूज नहीं होगी, इसमें से हम आधी यूज करेंगे, मतलब कि हमें चाहिए 100 ग्राम मोजरेला चीज। उसके बाद हमें चाहिए 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। 50 ग्राम मक्खन लिया है हमने यहाँ पे, और इसमें से हम यूज करेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें। मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन, और इसमें से थोड़ा सा मक्खन मैंने बचा लिया है। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कटा हुआ लहसुन, और अब हम लहसुन को मक्खन के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। बस हमें 2 से 3 सेकंड के लिए इसे फ्राई करना है, बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, वरना लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा और मक्खन का कलर भी। चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। बस हमें इतना ही इसे फ्राई करना था। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम पैन को कर देंगे साइड, और लो फ्लेम पर गैस ऑन करके यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम बचा हुआ मक्खन डालेंगे और मक्खन को पूरे तवे पर फैला देंगे। ध्यान रखें आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें। और मक्खन को पूरे तवे पर फैलाने के बाद अब हम एक एक करके इस पर ब्रेड स्लाइस को रखेंगे। एक बारी में 2 ब्रेड स्लाइस रख रही हूँ मैं। अब हम इसके ऊपर ये गार्लिक वाला बटर लगाएंगे, ये जो हमने अभी तैयार किया था, तो हम इसे इस तरीके से चम्मच से रखेंगे और पूरे पे फैला देंगे। गार्लिक वाला बटर ब्रेड पर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज को ग्रेट करके डालेंगे। दोनों ब्रेड स्लाइस पर मैंने चीज को अच्छी तरीके से ग्रेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, और ऊपर से डालेंगे थोड़े से ऑरिगेनो, इस तरीके से छिड़क देंगे। और चिली फ्लेक्स। बस अब हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको ढक कर चीज मेल्ट होने तक पकने देंगे। लो फ्लेम पर गार्लिक ब्रेड को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब एक बार गार्लिक ब्रेड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चीज हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और ये हमारा ब्रेड भी नीचे से अच्छी तरीके से सिक चुका है। चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से बची हुई दोनों ब्रेड के भी गार्लिक ब्रेड बना के तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारी गार्लिक ब्रेड। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पीछे से भी कितनी अच्छी तरीके से सिकी है, और बिल्कुल क्रिस्पी हो रही है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।